छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक रीपा योजना, जिसे लेकर यह कहा जाता है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और आर्थिक रूप से सशक्त भी बनेंगी। किंतु कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड के ग्राम पंचायत कुशाहा में रीपा के तहत क्रय की गई मशीनें हो रहे कुछ कार्य कुछ भी बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाई गई है, किंतु जब ग्राम पंचायत के सरपंच ही कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को शिकायती पत्र लिख पत्र में जिक्र कर रहा हो कि किस कदर अमानक स्तर की मशीनें क्रय की जा रही हैं, साथ ही सीईओ जनपद पंचायत सोनहत द्वारा भुगतान को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, तो बात समझी जा सकती है कि जिस ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया गया वो कितनी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रही होगी और आने वाले समय में महिला समूह की महिलाएं ऐसी मशीनों से कार्य कर कितनी सशक्त हो पाएंगी। मेरा नाम राजू कुमार है, मैं ग्राम पंचायत कुशाहा का सरपंच हूँ और मेरा शिकायत ये है कि यहाँ जो महिलाएं दीदी जो काम कर रही हैं और मशीन सही साथ नहीं रहने के कारण मैं अपने ब्लॉक सोनहत पन्ना सर का शिकायत किया हूँ, पन्ना सीओ सर का, और ये शिकायत मैं जिला पंचायत सीओ को किया हूँ। शिकायत के बारे में ग्राम पंचायत कुशाहा के सरपंच द्वारा की गई है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि रीपा अंतर्गत जो मशीनरी क्राय की गई है और आप कह रहे हैं कि वे उनका कीमत जो है कम होने के बाद अधिक है और उनके द्वारा इस बात की शिकायत की गई है कि दबाव बनाया जा रहा है, तो इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है कि मैंने जो है उनके ऊपर दबाव बनाया है कि वो, चूंकि ग्राम पंचायत एक कार्य एजेंसी है, वो स्वतंत्र है, अपना काम कर रही है, यदि ऐसा कोई मामला होगा तो इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए, रीपा में निर्माण एजेंसी और क्रियान्वयन एजेंसी कुशा में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के द्वारा जो वर्क ऑर्डर दिया गया होगा उसके साथ ही एग्रीमेंट होता है, मशीन की जो सप्लाई होती है एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के तारतम्य में जो भी मशीन सप्लाई कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है उसको आप नोटिस दे सकते हैं, तत्संबंध में ग्राम पंचायत को अवगत कराया जाएगा, उसे नोटिस देकर मशीन ठीक कराने की कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार जो कार्रवाई है।